वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जो लोग अभी अभी उठे हैं वैसे बहुत बुरी बात है, लेकिन आप सबको गुड मॉर्निंग। और ख़वातीन इस वक्त स्क्रीन के आगे बैठी होंगी, मर्द हज़रात ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और एक सवाल हमेशा घर में यही आवाज़ आ रही होती है, आज क्या बनाएं, आज क्या पकेगा। तो हम एवरी वीक ये कोशिश करते हैं कि एक डिफरेंट जो है डिश आपके मेन्यू में ऐड कर सके। इटालियन फूड जो है उसके बहुत लोग शौकीन होते हैं, बच्चे बहुत शौक से उसे खाते हैं, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत क्विक होता है, और उसके बाद डिलीशियस बहुत है, और बच्चों के लिए बड़ा टेम्पटिंग होता है। सो हर माँ की कोशिश होती है कि कुछ ऐसा बने जो बच्चे मेरे जो हैं वो पेट भर के खा सके। तो आज भी एक और क्लास हमारे जो शेफ़ हैं वो हमें देंगे इटालियन फूड की, मेरे साथ मौजूद है। अब आप सब इनको जानते हैं, एवरी वीक आप इन्हें मेरे प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान में देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अनीस कल्याण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब कैसे हैं? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यूं करके आपसे बात करनी होती है। ओके राइट, ये बताइए अनीस के आप माशाल्लाह से इटली से इनका ताल्लुक है, ताल्लुक तो इनका पाकिस्तान से है, बट इटली में माशाल्लाह से ये एक वहाँ के लीडिंग रेस्टोरेंट में जो है वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कुकिंग सिखाते भी हैं, और यहाँ पर हमारे पास भी आते हैं हमें क्लासेस देने के लिए, इटालियन फूड की क्लासेस देने की। इसके अलावा और एक्सपर्टीज आपकी किस फूड में? पाकिस्तानी है। Okay. इसके अलावा श्रीलंकन फूड है, इसके अंदर एक्सपर्टी है, चाइनीज़ भी है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल काम जो सीखा है वो उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। अच्छा, चाइनीज़ जो है, चले किसी दिन जब चाइनीज़ सीखेंगे तो चाइनीज़ के जो सूप्स हैं वो उससे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट शायद ये है कि हमने सूप तो सिर्फ सर्दी में पीना है, गर्मी में हम सूप नहीं पीते, ये कितनी अजीब सी बात है। हालांकि आप देखें थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए स्टार्टर के तौर पर कोई भी सीज़न हो आपका सूप लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, थिन सूप। हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कॉर्नफ्लावर डाल के उसको थिक कर देते हैं। तो इंशाल्लाह सूप की क्लासेस भी शुरू करेंगे, अभी थोड़ा सा स्पेगेटीज है, मैक्रोनीज हैं, ये तमाम चीज़ें हम सीख रहे हैं। आज अनीस क्या बन रहा है? आज हम बनाएंगे स्पेगेटी अला बोलोनीज़े। अच्छा, स्पेगेटीज अला बोलोनीज़े। अला बोलोनीज़े, ओके राइट। तो ये स्पेगेटी है एक नए तरीके की जो आज मैं और आप सीखेंगे। वैसे आप लोग ट्राई भी करते हैं जो अब तक इन्होंने सिखाया है? अगर आपने ट्राई किया है तो कॉल कीजिए और हमें बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कितने मज़े की डिश बनी थी, और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बल्कि पिक्चर खींचे अपनी बनी हुई डिश की। और जो मेरा सलाम पाकिस्तान का फेसबुक का पेज है वहाँ पर जो है आप उसको टैग करें तो बड़ी खुशी होगी मुझे, और कि आप जो है हमारी बताई हुई यहाँ पर जो शेफ़ बताते हैं उन्हें आप ट्राई भी करते हैं। स्टार्ट करें रेसिपी। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्रेडिएंट्स से। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल, ओके, जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, कि ऑलिव ऑयल में जो टेस्ट है वो किसी भी ऑयल में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार लगता है ऑलिव ऑयल। बिल्कुल, ये आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा इस्तेमाल, कितना डालें? नहीं, इसमें हम डालेंगे एक कप, आधा कप के करीब। अच्छा, ये कि आज हम जो बनाएंगे स्पेगेटी अला बोलोनीज़े वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की होगी, क्योंकि इसमें हम आज के जो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो थोड़े से डिफरेंट और हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में थोड़ा सा कम लाएंगे। आपको स्टाइल में आते हैं स्पेगेटी? स्पेगेटीज हमारे पास तकरीबन 12 से 13 अक्साम की हम स्पेगेटी बनाते हैं। ओके राइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपने तकरीबन एक कप जो है वो आपने ऑलिव ऑयल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, आधा कप के मुताबिक। आधा कप, एक कप बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक कप ये एक्सपेंसिव भी होता है, तो जो व्यूअर्स हमारे घर में देख रहे हो गएंगे भाई आपके पास, वैसे कोशिश करें कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की, जो ऑयल आपके पास है आप उसको इस्तेमाल कर लें। और उसमें जो है क्या ऐड करना है इसमें? आज हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में है ऑनियन, चॉप ऑनियन, दो अदर चॉप ऑनियन, नॉर्मली तौर पर जो छोटे साइज के ऑनियंस होते हैं आप इन्हें चॉप कर लें। चॉप करने के बाद ऑलिव ऑयल जब जिस तरीके से सही तरीके से गर्म हो जाए फिर आप इसमें मिक्स कर लें। मुझे लगता है इटली में लोग बड़े मुश्किल में तकलीफ में सारे अल्फाज बोल रहे थे, प्रोनाउंसिएशन इतना हार्ड है कि अब एक अनियन है और इतना, आप किस तरह बोलते हैं इसको? चिपोला। चिपोला जो है इटालियन जबान में ऑनियन यानी कि प्याज को कहते हैं हम लोग इसे। ओके, और ये अब हमने ऑनियन डाल, चिपोला, चिपोला जी, चिपोला हमने इसमें डाला फ्राई करने में जी, और इस दौरान हम इसमें एक टीस्पून गार्लिक और आलियो, आलियो कहते हैं हम लोग लहसुन को, आलियो, आलियो, अच्छा आलियो जो है वो इसमें हम डालेंगे। अच्छा, प्याज को क्या कहते हैं आपने? चिपोला। चिपोला यहाँ फ्राई हो रहा है, और उसके बाद चिपोला जो फ्राई इसमें, इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलियो यानी कि लहसुन जो चॉप कर रहा हूँ इस वक्त में, और ये कम से कम इसकी जो मिकदार है इस चॉप ऑनियन जो चिपोला की थी वो दो कप, दो प्याज थी, और
गार्लिक जो है जिसे हम लोग लहसुन कहते हैं, लहसुन कम से कम एक टीस्पून। राइट right. अच्छा ये बताएं, वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें, मैं अगर ये कहूँ कि एशिया में ये चीज़ है कि हम जो है ना अपनी ज़बान को छोड़ के और हमें अंग्रेज़ी बोलने का बड़ा शौक होता है, बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए ताकि आप दुनिया भर में ट्रेवल कर सकें और आपके काम आसानी से हो सकें। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस किसी भी लेवल तक पहुँच जाएँ, वो कहते हैं नहीं हमारी ज़बान हमारी ज़बान है। जिस तरह आप इटली की बात करें तो ये हर चीज़ आप मुझे बता रहे होते हैं, तो आपने इंग्लिश भी सीखी होगी लेकिन आपको उनकी ज़बान लाजमन सीखनी पड़ी, क्योंकि इटली में इंग्लिश ज़बान चलती नहीं है। अच्छा, वो लोग बिल्कुल पसंद करते हैं बोलने के ऑफिशियल लेवल तक। हाँ। लेकिन बेसिकली तौर पे जो इटालियन में इटालियन ज़बान जो अपनी है, वो अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं बनिस्बत इंग्लिश के या किसी और वेस्टर्न कंट्री को वो फॉलो करने के लिए। ये और ये अच्छी बात है, ये हर मुल्क का जो शहरी है जो उसको अपने मुल्क से ये भी मोहब्बत का इजहार है कि आप अपनी जो आपकी मादरी ज़बान है, जो आपकी कौमी ज़बान है, आप उसको जो है वो प्रमोट करें। लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये फ्रेश जो है आपको लहसुन मिलता है। जब आप मार्केट में जाते हैं यहाँ पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो वो आपको ना दो तरह के लहसुन दिखा रहे होते हैं, एक वो छोटा छोटा सा होता है और एक बड़ा बड़ा सा होता है। तो वो कहते हैं ये एक केमिकल वाला है और एक ये देसी है। तो वो जो छोटा होता है उसको तो मम्मा कहती है छीलने में ही बड़ा मुश्किल है, तो कोई टिप है कि लहसुन जो है वो जल्दी से आसानी से जो है वो छिल जाए? जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आपने लहसुन लिया, आपने उसको उसके फ्लावर यानी कि उसके फूल में से अलग किया, ठीक है, चॉपिंग बोर्ड पर रख लें, कहीं पर रखने के बाद उसके आप ऊपर से नाइफ के साथ प्रेस कर लें। जब वो छोटे छोटे प्रेस हो जाते हैं तो उनके छिलका उतारना बहुत आसानी हो जाती है। ओके, तो उसमें आसानी के साथ आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ। चाहे उसे आप कूटना चाहें, ग्राइंड करना चाहें, तो बहुत आसानी से। अच्छा, और जो इसके लहसुन के अदरक नॉर्मली घरों में क्या प्रैक्टिस करती हैं हमारी अम्माएं, कि वो लहसुन अदरक को ना वो उसको ग्राइंड करके और उसके बाद फ्रिज रख फ्रीज कर देती हैं कि जब खाने की ज़रूरत हो इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब क्या होता है, लहसुन अदरक येलो होना चाहिए ना उसका पेस्ट, अब वो ग्रीन हो जाता है। वो इस वजह से हो जाता है ग्रीन के उसके अंदर विटामिन्स होते हैं। okay. और अगर आपने रखा हुआ लहसुन का पेस्ट घर में फ्रिज में बना के रखने के लिए, तो उसमें आप ऑलिव ऑयल या नॉर्मली सनफ्लावर ऑयल जो आम मार्केट में अवेलेबल होता है, आप उसे लें और उसमें मिक्स करके रखें, तो वो कभी भी ग्रीन नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये प्रिजर्व करने का तरीका ही, आपको अगर उसको फ्रीज करना है तो आपने क्या करना है कि लहसुन अदरक को पहले आप पेस्ट कर लें, उसको ग्राइंड कर लें, उसके बाद उसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल ये आप उसमें मिक्स कर दें, तो वो अब ये देखिए और ये जो है उसके बाद उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हमें गोल्डन कलर ऑनियन यानी कि इसके चिपोला और गार्लिक यानी कि लहसुन जो थे वो दोनों गोल्डन हो गए। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे कैरेट। अच्छा, दो अदद कैरेट जो हमने काटी है। ठीक है, अच्छा इससे ज्यादा अगर ये गोल्डन ब्राउन हुआ तो फिर ये कड़वाहट आ जाएगी खाने में, इसलिए आपने बहुत ख्याल रखना है। बहुत जल्दी से जो है ये गोल्डन ब्राउन होने लग जाता है प्याज, तो आपने पास खड़े रहना, जाना नहीं। फिर इसमें आप डालेंगे क्रश मिर्ची जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। ओके, आई लव इट, पिसी मिर्चों से ज्यादा बेहतर होती है। जी हां, बहुत अच्छी, क्योंकि फ्रेश होती है। मैं लाइक करता हूं नेचुरल चीज को। ओके, जो आपके सामने क्रश की गई आपने इस्तेमाल की, आपने एक चम्मच और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल दिया, डेढ़ चम्मच करीब, डेढ़ चम्मच आप कम भी कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है, थोड़ा सा स्पाइसी आवाजें आ रही है, इतनी मिर्चें तो आप कम भी डाल सकते हैं। जी, और इसमें फिर हम एक अपना जो एशियन पाकिस्तानी जो फ्लेवर्स में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के जो वेस्टर्न इंग्रेडिएंट्स हैं वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो हम चाह रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेड वेस्टर्न फूड को प्रमोट किया जाए पाकिस्तान में, तो उसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो खास आम की पहुंच तक हो और वो दूर ना हो कि वो ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो इस वजह से हम लोग उसको मद्देनजर रखते हुए उसको आसानी देना चाहते हैं। अब इसमें आप थोड़ी सी कसूरी मेथी मिला लेंगे। वाओ, वेरी नाइस। इसका जो फ्लेवर खुशबू जो है वो स्टोमक के लिए बहुत बेहतरीन है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तकरीबन ना आधा टेबल स्पून इन्होंने अनीस से डाली है, क्योंकि अगर ये भी ज़्यादा हो जाए ना तो ये भी खाने को कड़वा कर देती है, तो इसलिए इसको भी आपने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। इवन अगर आप कढ़ाई बनाएं और दम पे अगर आप थोड़ी सी कसूरी मेथी उस पर डाल दें, तो उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू जो है वो आपके खाने में आ जाती है, कढ़ाई में आ जाती है। उसके बाद अब हम क्या ऐड करें? अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये है बड़े का कीमा। अच्छा, ओके, कीमा बीफ का कीमा, बीफ मील्स है इसके, हम लोग कहते हैं इटालियन ज़बान में इसको यूज़ किया जाता है और इसे कहते हैं हम लोग इसको बूफोलो, ये थोड़ा सा नाम डिफरेंट है। Right. तो ये इसका जो कीमा है, एक तो टेस्टी बहुत है, जूसी है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, ये आपने कितना यूज़ किया है? ये इसमें हमारे 250 ग्राम है, 250 ग्राम जो हम इसमें यूज़ करेंगे, 250 ग्राम जो है वो आपने यूज़ किया है। एक पाव तकरीबन जो है ये बीफ है, बीफ मिंस है,
अच्छा, इन केस कुछ लोग ऐसे हैं जो बीफ इस्तेमाल नहीं करते या डॉक्टर ने उनको मना किया है, तो आप चिकन यूज कर सकते हैं या मटन का आप मिंस यूज कर सकते हैं? मटन यूज कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है, चिकन यूज कर सकते हैं, चिकन भी यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, पर थोड़ा सा आई थिंक कुकिंग टाइम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, या कुकिंग टाइम भी सेम ही रहेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप चिकन बनाएंगे तो चिकन जल्दी बन जाता है, इसलिए जो ये बीफ होता है ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें, लेकिन हमने जो इस वक्त जो प्रोग्राम में रेडी किया है इस हिसाब से मैं कीमा जो लिया है हमने वो सॉफ्ट और इजी है और बहुत जल्द पक जाता है, जल्दी बन जाता है, यानी कि ये मिक्स गोश्त का कीमा नहीं है, ये प्रॉपरली कीमा जो हम यूज़ करते हैं ब्रेमिन्स के लिए, यानी कि जो यहाँ से क्या कहते हैं हम चांपे जो हम लोग यूज करते हैं उसी चांप के साथ के जो रेशे इनके पर्दे होते हैं वो कीमे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिकली। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बताया यकीनन समझ गए होंगे आप लोग, तो वो आपको इस्तेमाल करना है और उसका आपने मिंस बनवाना है, उसके बाद इसमें हम एक डालेंगे तेज पत्ता खुशबू के लिए। बिरयानी बना रहे हैं, ये स्पेगेटी इटालियन जो है ये इसकी क्रीम बनेगी, ये स्पेगेटी बोलोनेज हम इसे कहेंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि पकना शुरू हो गई है। वेरी नाइस। अच्छा, वो जो इटालियन हैं वो भी बड़े चटपटे और भुने हुए खाना खाने के आदि हैं, और हसबे जायका नंबर, ठीक है। अच्छा, अनीस ने स्टार्ट में नमक नहीं डाला, तमाम चीज़ों की भुनाई हो गई उसके बाद इन्होंने नमक ऐड किया, और ये लास्ट टाइम भी इन्होंने बताया था, मैंने भी ये चीज़ सीखी है कि आप शुरू में नमक ना डालें, उससे खाने का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता, तो आप ट्राई करके देखिएगा कि पहले खाने को आप भून लें, मसाला वसाला डाल लें, उसके बाद एंड में आप नमक डालें, तो आप देखिएगा टेस्ट में डिफरेंस आता है। मैंने ट्राई किया था नहीं टेस्ट, अच्छा चेंज मुझे फील हुआ उसमें टेस्ट। इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो आप अगर नमक पहला डाल देते हैं अपनी फूड के अंदर, तो वो उसकी जो वेजिटेबल की प्रोटीन वाइटामिन वेजिटेबल्स के ABC जितने भी हमारे बॉडी को एलिमेंट्स की जरूरत है वो बर्न हो जाते हैं, तो वो बर्न होने से बच जाते हैं। तो अपने हसबे जायका का मतलब इनके वो जायके में मिक्स भी हो जाता है आखिरी लम्हात में, और वो फ्लेवर भी उसका वही रहता है। गरम मसाला पाउडर के लिए भी कहते हैं कि आप कोशिश करें बिल्कुल एंड में डालें, अदरवाइज वो आप पहले डाल देते ना तो उससे भी जो है ना वो डिश काली भी हो जाती है और वो वैसा खिला खिला रंग भी नहीं आता। ओके, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है। आमना, आप कुकिंग करती हैं? नहीं, मैं अभी कुकिंग नहीं, अभी तो मैं स्टडी करती हूँ। मतलब स्टडी के साथ तो कुकिंग हो सकती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आप क्या पढ़ रही हैं? मैं BSc में। BSc पढ़ रही हैं? अच्छा, तो किचन से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक? नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बना लेती हूँ, छोटी छोटी सी। छोटी छोटी जैसे कि? जैसे कि चाय बना ली, ऑमलेट वगैरह बना ली, अभी इतने ज्यादा नहीं। बहुत मुश्किल काम है जो आप करती हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो क्या आप टिप लेना चाहोगी अनीस से कोई डिश ऐसी? बाद में इनकी 2-3 रेसिपीज को भी फॉलो किया और आज की भी मैं देख रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि कोफ्ते बनाना सिखा दें, मेरी मदर की है जो है ना वो कह रही है। क्या बनाना? कोफ्ते। अच्छा, कोफ्ते मैं एक शर्त पे अनीस से कहूंगी कि वो कोफ्ते ये सिखाएंगे तो वो आप ट्राई करेंगी, अम्मा नहीं बनाएगी, और फिर आप खुद बना के और अपनी अम्मा को खिलाइएगा और मुझे भी पेपर सेंड कीजिएगा उन कोफ्तों। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अनीस, कोफ्तों की फरमाइश है? जी हाँ बिल्कुल, इनकमिंग टाइम्स में यानी कि अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम आपको बकायदा डिफरेंट स्टाइल के कोफ्ते सिखाएंगे। एक टिप पूछ लेती हूँ मैं, अक्सर क्या होता है वो जो कोफ्ते जो बनते हैं ना उसमें ये होता है मिंस मीट आपको शामिल करना होता है, मुख्तलिफ चीज़ें आप उसमें ऐड करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कोफ्ते बड़े नरम होते हैं, बहुत नरम के आपने फ़ौरन ही टूट जाते हैं, और कुछ के ऐसे होते हैं कि जो है वो इतने सख्त हो जाते हैं कि वो फिर आपके मज़ा नहीं आता, इतनी मेहनत का, बड़ी मेहनत लगती है कोफ्ते बनाने में। मैंने कभी नहीं बनाया लेकिन मुझे पता है कि बड़ी मेहनत होती होगी उस काम में, तो जब अनीस बताएंगे तो मैं ज़रूर ट्राई भी करूँगी। कोई टिप है ऐसी कि कोफ्ते नरम रहे? कोफ्ते सॉफ्ट रखने के लिए आपके लिए बहुत आसान टिप है, जब आप कीमा बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा फैट ऐड कर लें। अच्छा, थोड़ा सा फैट ऐड कर, उसमें ये होता है कि जब आप उसमें रियल फैट ऐड होगा उसके अंदर, तो उसमें ये होगा कि जब आप उसे अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे और जब उसे आप फ्राई करने जा रहे होंगे तो वो फैट जो है वो उसके अंदर काम करेगी उसे कंट्रोल करने के लिए और उसको बाकायदा बॉल की सूरत में उसे रखने के लिए। अच्छा। यानी कि वो फटेगा नहीं और ना ही वो ख़राब होगा कि अब कहीं से फट रहा है, कहीं से सख्त हो रहा है,
और आधा कच्चा रहेगा आधा पक्का रहेगा, जो फैट उसके अंदर होगी जहाँ जहाँ उसकी हीट जाएगी उस कोफ्ते के अंदर, वो उसे मजीद अच्छा और मजीद जायका देगा। अच्छा, वैसे मैंने कहीं टिप पढ़ी थी, आप बताइएगा कि क्या ये भी फायदेमंद है कि नहीं, कि जब आप उसमें कोफ्ते के कीमे में आप बाकी मसाले ऐड करते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डलती हैं ना, ये बहुत सारे गर्म मसाले और तमाम चीज़ें, तो उसमें कहा था कि एक चम्मच या दो चम्मच अगर आप दही ऐड कर दें तो उससे भी जो है वो कोफ्ते नरम रहते हैं, दही से भी, दही से भी रहते हैं नरम। और इसके अलावा आप बटर क्रीम होती है, अच्छा बटर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर जब भी आप कीमा बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि अब आपने बॉल्स बनाने हैं इसके कोफ्ते के लिए, तो आप इसमें बटर क्रीम मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, बटर क्रीम या फिर ऑप्शन आपके पास दही का, ये दही दोनों चीज़ें आप, क्योंकि उसके उसमें आप दही डालेंगे तो उससे वो नरम रहेंगे। या बटर क्रीम कितनी डालनी है, थोड़ी एक दो चम्मच, एक चम्मच अगर डिपेंड करता है कि जैसे 250 ग्राम का कीमा बना रहे हैं तो उसमें आप कम से कम एक स्पून जो मतलब एक स्पून बड़ा वाला जो होगा वो आप उसमें डालेंगे। अच्छा, ये जो मिंस आपने लिया है, ये बीफ मिंस है, इसका कुकिंग टाइम कितना होगा? ये मिनिमम जो इसके 7 से 8 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। ऑलराइट, 7 से 8 शॉर्ट टाइम के अंदर। अच्छी खासी इसकी भुनाई हो चुकी है जी हाँ, अभी बिल्कुल यानी कि अपने एशियन स्टाइल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप खाएंगे इसे तो ये आपको इम्पोर्ट इनके इटालियन फूड भी होगा और हमारे एशियन स्टाइल में भी। अच्छा, मैं तो कहूँगी इसमें कुछ ऐड ना करें, इसको वैसे ही निकालें और स्पून से जो है अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटोस। टोमेटोस जो है इसमें हमने 5 वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान। अनीस मुझे डिश का नाम याद करा रहे थे, इतने मुश्किल मुश्किल ये जो है इटालियन डिशेस के नाम है, स्पेगेटीज एला बोलानीज़े, ये आज जो है वो हमारे किचन में बन रही है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिश को, जहाँ हम पाकिस्तानी फूड ट्राई करते हैं या मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ होती हैं हमारी घरेलू ख़वातीन के पास भी, लेकिन ये एक इटालियन डिफरेंट डिश है, डिफरेंट फ्लेवर है, सो अपनी फैमिली को आप ज़रूर बना के उनको सर्व कीजिएगा। और इस वक्त जो है जितनी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, रेसिपी कार्ड भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं। देख लें आप, स्पेगेटी है 1 पैकेट, कीमा 250 ग्राम है, गाजर 1 अदद, धनिया 5 ग्राम, तेज़पात 1 पत्ता यूज़ किया गया है, टमाटर जो सॉस है जिसका टोमेटो प्यूरी थी ये 1 कप है। ओके, और इसके साथ साथ प्रोसीजर जो है ये आप ये और भी चीज़ें इसमें, प्याज है 1 अदद, हरी प्याज 2 अदद, लहसुन के जवे 5 अदद, लाल मिर्च तकरीबन आप अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हमने 1.5 चम्मच यूज़ की है, नमक आपके हस्बे जायका है, और इसके साथ साथ इसमें पकाने के लिए 1/2 कप जैतून का तेल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इंग्रेडिएंट अनीस हमने बता दिए हैं, मेरे ख्याल से आप एक बार प्रोसीजर रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, ये हमारी जो है बीफ मीट है, ओके, कीमा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हमने लिया। सबसे पहले हमने ऑलिव ऑयल राइट लिया, लेने के बाद इसमें ऑनियन डाले, पहले 1/2 कप ऑलिव ऑयल, इसके बाद हमने इसमें ऑनियन डाले, ऑनियन डालने के बाद उनको अच्छे तरीके से गार्लिक यानी कि लहसुन के साथ उन्हें अच्छे तरीके से हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने उसमें ऐड की ग्रीन चिल्ली, कसूरी मेथी को हल्का सा भुना, उसको भुनने के बाद फिर हमने इसमें तेज़पत्ता और बीफ का कीमा डाल के इसे अच्छे तरीके से फ्राई किया, ताकि कीमा जो है उसके अंदर जितनी भी उसकी फ्रेशनेस है वो बरकरार भी रहे और अच्छी तरीके से ये रेडी भी हो जाए, क्रिस्पी भी हो जाए और फ्लेवर भी है, तमाम मेडिसिन जी हाँ जिसके अंदर तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाए। फिर आखिर में हमने इसके अंदर डाली है 5 अदद टमाटर की इनके प्यूरी बना के हम लोगों ने इसमें डाली। और जो डालने के अभी ये दिख रहे हैं आप कि ये अभी बॉयल्ड हो रहा है, थोड़ा सा और पकेगा, थोड़ा सा जैसे पानी इसका ड्राई होगा तो इस दौरान बिल्कुल ड्राई ड्राई होगा, अभी जो टमाटर हैं इनका पानी जो है वो सूख रहा है, थोड़ी देर इनको कवर रखा ताकि जो चंक्स हैं वो और सॉफ्ट हो जाए, और अब आप इसका कवर हटा देंगे ताकि ये जो है अच्छे से इसका जो टमाटर का पानी है ये सूख जाए, और उसके बाद आपको जो है ड्राई फॉर्म में आपको मिंस चाहिए होगा। स्पेगेटीज यहाँ हमें बॉईल करनी है, ये इन्होंने पानी लिया है, कितनी स्पेगेटीज आप 1 पैकेट लिए? आज हम 1 पैकेट लेंगे स्पेगेटी, लेकिन नॉर्मली 1 पर्सन के लिए 200 ग्राम जो है इनफ होती है, एक आदमी के लिए काफ़ी होती है स्पेगेटी। तो अभी हम इसमें पानी है पैन लिया, पानी रखा उसमें। अच्छा, जब आप लेने जाते हैं तो आप जो मार्ट पे जाओ तो एक रैक में मुख्तलिफ तरह की स्पेगेटीज और पास्ताज और मैक्रोनीज होती हैं, तो कौन सी स्पेगेटीज है जो आप अभी यूज करें जो लेनी होगी? बेसिकली तौर पे तो अभी ये लोकल कंपनीज जो हैं अभी इतनी एक्टिव नहीं हुई, तो मैं बेसिकली तौर पे अभी इस वक्त जो एट द टाइम मैंने लिया है वो स्पेगेटी बेक पार्लर की ली थी मैंने। नहीं, आप मतलब ये किस चीज की बनी हुई है? ये फ्लावर की है, फ्लावर की। नॉर्मली जो पास्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं वही चीज है,
वही आप इसको लेंगे। ठीक है, अब आप इसमें नमक ऐड करें। एक स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा और। ओके, आयोडाइज सॉल्ट जो है वो आपको इस्तेमाल करना है, तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किया है। एक पैकेट स्पेगेटीज का लिया है। अच्छा, सिर्फ नमक ऐड करना है, कुछ और नहीं? नमक ऐड करेंगे और जब इसमें स्पेगेटी डालने के बाद थोड़ा सा हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल। अच्छा, कुछ लोग अभी पानी चढ़ाते हैं और उसी में स्पेगेटीज डाल देते हैं, तो उससे स्पेगेटीज खराब होती हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक पानी अच्छे तरीके से बॉयल नहीं होगा, उसमें सॉल्ट मिक्स नहीं होगा, और जब आप इसमें ऑयल डालेंगे अगर वो मिक्स सही से ना हो तो स्पेगेटी जो पकने के जैसे आप ठंडे पानी में डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, वो ज़्यादा पक जाएगी और वो फूल कैसे लगेगी, जैसे मोटी सवैयाँ होगी। राइट, अच्छा मतलब वो अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन फिर अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप पानी को बॉयल कर लें नमक डाल के, उसके बाद जब ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाए इसका, देन आपने इसमें स्पेगेटीज और ऑयल ऐड करना है जिससे ये चिपकेंगी नहीं। कब हम डालेंगे स्पेगेटी? जी अभी हम स्पेगेटी लेंगे, हमारा पानी जो है अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। इसको तोड़ेंगे ना? वैसे नहीं तोड़ेंगे हम इसमें। ओके राइट, अच्छा मैं तो क्योंकि पैन में पूरी नहीं आती तो हम इसके दो पीस कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, लेकिन ये एक नया तरीका है कि इस तरह आपने इसको बॉयल करना है, ये सॉफ्ट होती जाएंगी तो ये खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे, टूटेगी भी नहीं और इनकी जो लेंथ है, जो ब्यूटी है खाने में, जब फॉर्क के साथ मिक्स करेंगे इसे तो ये आपको बिल्कुल वेरी नाइस, इसकी टॉप बन कर बनाने के बाद आप इसको ईट करें। यही तो शेफ़ की एक्सपर्ट, हम तो कहते हैं कि आसान काम हो, बस इसके दो टुकड़ों में इसका तोड़ा और आपने बॉयल कर लिया, बट ये नया बल्कि नया क्या यही तरीका एक आ रहा है स्पेगेटी को बॉयल करने का, और इस तरह आपने इसको बॉयल करनी है। अच्छा, इसमें तकरीबन अभी कितना टाइम और लगेगा? बस भुनाई होगी? बस इसकी भुनाई होगी, पानी जो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ठीक है, इसे बनाएगी उसी में तमाम टमाटर जो हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। ओके वेरी नाइस। अच्छा, ये जिस तरह अभी इन्होंने तो इसमें बीफ का कीमा यूज़ किया है, फिश यूज़ कर सकते हैं? फिश भी बना सकते हैं आप, इनके हर बंदे की अपनी चॉइस, बेसिकली क्लासिकली तौर पर इसमें बीफ यूज़ किया जाता है या फिर मटन यूज़ किया जाता है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि मुझे मटन नहीं पसंद, चिकन बनाना चाहता हूँ, तो चिकन भी बना सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि मुझे फ़िश में पसंद है तो वो फ़िश भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके साथ भी यही प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। राइट, तो आप कॉल के करके कोई फरमाइश भी कर सकते हैं, अभी तक कोफ्ते की फरमाइश हुई है, वैसे मैं आपस की बात है, मैंने लास्ट टाइम अल्फ्रेडो पास्ता की फरमाइश की थी, मेरी फरमाइश भी अब तक पूरी नहीं हुई, अल्लाह करे कि आपकी फरमाइश है। थोड़े दिन तक हम कोशिश करेंगे कि ये इटालियन फूड की क्लास हो, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपने पाकिस्तानी कुजीन पर भी आएंगे और फिर चाइनीज़ भी, जिस तरह अनीस ने कहा कि इनकी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, इटालियन में आपका फेवरेट फूड कौन सा है जो आपको बनाने में या आपका जिसको आपका फ्लेवर बहुत पसंद हो? इटालियन में मेरे तीन फ्लेवर फ्रूट्स हैं जो मेरे बहुत ही मज़ेदार और फेवरेट हैं, डिशेज हैं। कौन से? कि जो मैं जब दिल करता है बना लेता हूँ। राइट, एक तो है लसानिया। लसानिया एक क्लासिक वाला है जो बैंगन से हम बनाते हैं। ओके, बैंगन से? जी हाँ, वेजिटेबल के साथ होता है, और वो व्हाइट सॉस के जो आपने कहा था कि आपकी पसंदीदा व्हाइट सॉस है, वो उसके साथ ही बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मेरा फेवरेट है, वो पंजर होती है। पंजर होती है एक, जैसे हमारे पाकिस्तान में समोसा होता है, लेकिन वो इटालियन का समोसा दूसरे स्टाइल का है। okay. लेकिन वो बहुत मज़ेदार है। जी हाँ बिल्कुल, वो भी फुल फ्राई होता है और बहुत टेस्टी होता है, उसमें हम इन साइड के अंदर हम लोग टोमेटो और मसाला डालते हैं इसके अंदर। राइट, तो वो डेफिनेटली वो भी बहुत ही यमी और मज़े का होगा, वो जिस तरह बता रहे हैं उसमें चीज़ ऐड की जाती है। जी हाँ राइट। सो अच्छा, एक और भी आती हैं, वो अगर आपने कभी ट्राई की होंगी तो उनको, वो एक बड़ा अच्छा हमारा पाकिस्तान का एक, अब तो है तो बाहर का ब्रांड, लेकिन पाकिस्तान में भी उनके डिफरेंट जो है हर शहर में आई थिंक उनकी मौजूद होंगी, उनके पास वो मिलती हैं, वो जो पेरी बाइट्स की मिर्चें जो होती हैं उसके अंदर उन्होंने चीज़ और चिकन फिल किया होता है। जी हाँ, वो क्रम्स लगा के उसको फ्राई करते हैं और वो बहुत ही मज़े का और यमी होता है ये चीज़ें। तो आप उसको हमें बताएंगे उसमें कौन सी चीज़ ऐड करते हैं? वो बड़ी मज़े की होगी। परमिजान चीज़ जो है वो फ्राई की जा सकती है। अच्छा, जैसे आज हम जैसे इटालियन हर डिश के अंदर परमिजान यूज़ किया जाता है। okay. जब खाने की खूबसूरती के लिए, उसकी डेकोरेशन के लिए और उसको मजीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए उसमें टेस्ट किया, इसीलिए इटालियन खाने के अंदर नमक हसबे ज़ायका इस्तेमाल किया जाता है। right. और चीज़ उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, जब इसके आप कंडिमेंट करेंगे इसके ऊपर, ऊपर से आप डालेंगे अकुंदीरे कहते हैं हम लोग इसे इटालियन में, अकुंदीरे जब करेंगे इसके ऊपर तो आप ऑटोमेटिकली इसका जो फ्लेवर है वो उसकी जो कमी बेशी सॉल्ट की होती है वो चीज़ के साथ मिक्स हो जाती है। मतलब ये टेस्ट इनहेंसर के तौर पर भी जो है इसको यूज़ करते हैं। और ये जो हम अभी फ्राई आइटम्स का जिक्र कर रहे थे ना, क्योंकि रजब शुरू हो चुका है, फिर आगे इंशाल्लाह शाबान और फिर रमज़ान,
तो हम रमज़ान से पहले ही अपने इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कुछ ऐसी डिशेज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकें, जिन्हें आप रमज़ान में ट्राई करें, चाहे सहरी हो या इफ्तारी हो, आपके दस्तरखान में रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो नया ज़रूर आना चाहिए। और कहते हैं ना, ये 3 महीने बड़े ख़ास होते हैं रमज़ान की तैयारी के लिए, रजब, शाबान और फिर रमज़ान। तो ज़रूर कीजिए, कुछ खानों की भी तैयारी हम करेंगे आपके साथ। ये डन हो गया, ये अभी थोड़ा सा रहे, जैसे ये हमारी रेडी होंगी तो इसका मज़ीद फ्लेवर मज़ेदार करने के लिए, जैसे स्पेगेटी रेडी हो जाती है तो हम इसका थोड़ा सा वाटर इसमें यूज़ करेंगे। इसका जायका जो है स्पेगेटी के फ्लावर का जो है, जो आटे का फरीना से हम लोग कहते हैं इटाली में फरीना, वो फरीने का जो फ्लेवर वो इसमें ऐड होगा। जब आप इसको खाएँगे तो वो आपको प्रॉपरली कम्प्लीट फ्लेवर देगा इसका। ओके, वेरी नाइस। लेकिन ये अगर मैं इनकी कैलोरीज की बात करूँ, सो कॉल्ड लोग बड़े होते हैं ना, कॉन्शियस होते हैं कि ये खाना खाने से हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे, और ये जो है खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये तो फ्लावर है तो ये तो यकीनन इसमें ये मोटा करता होगा इंसान। नहीं, उसकी वजह ये है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी फूड है, अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे तो वो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर हर किसी भी चीज़ को खाने खाएँ आप, तो उसे आप देखें कि कितना मुतवाजन बैलेंस होना चाहिए। कि क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होती है फूड के अंदर, क्योंकि अक्सर हम लोग खाते हैं, जब खाते हैं कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर हम उसे बस सादा ही खाना शुरू कर देते हैं, फिर वो हमारी फेवरेट हो जाती है, तो फिर हम जब दिल चाहता है खा लेते हैं। तो कोई भी चीज़ की ज़्यादती है वो डाइट के लिए बहुत ही नागुज़ीर होती है, और वो जो आप खाएँगी तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप थोड़ी सी ज़रूर खा सकते हैं, ट्राई करें, हर चीज़ ट्राई करना चाहिए, कोई भी चीज़ आप छोड़ के जो है हो गई डन। या देखें, ये हल्की सी रियर रखेंगे, यानी कि हल्की सी कच्ची रखेंगे, कि जब इसे हम बोलोनेज के साथ यूज़ करेंगे तो इसमें इसका फ्लेवर रहेगा। लेकिन जब हम लोग घर में बॉईल करते हैं तो इससे ज़्यादा हम बॉईल कर लेते हैं, बेसिकली तौर पे ज़्यादा बॉईल नहीं किया जाता पास्ते को, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लावर यानी कि आटा होता है, फरीना होता है, तो अगर आप इसे ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा डन हो जाएगा। ओके, तो फिर खाएंगे तो आपको फ्लेवर जो है हल्का सा। लास्ट टाइम जब मैं ट्राई करी थी तो मैंने नहीं सीखा कि हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कच्चा बना है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बेसिकली ओरिजिनल तरीका होता है कि आपने इसको फुल डन नहीं करना होता है, थोड़े से आपके जो दांत है ना उनको भी थोड़ा उसको मौका मिलना चाहिए कि उनकी एक्सरसाइज अच्छी हो, तो आपने फुल इनको डन नहीं करना, हल्का सा आपने इनमें कच्चापन जो है वो छोड़ना। इसे कहते हैं अल डेंटे, जो हल्का कच्चा होता है इटालियन में कहते हैं अल डेंटे। अल डेंटे, ओके, तो आपने इसको अल डेंटे जो है, ये देखिए हम थोड़ा सा पानी इसमें यूज करेंगे इसी पास्ते का, कि इसका फ्लेवर जो है और मजीद खूबसूरत और मज़ेदार हो जाए। जबरदस्त, तो इसमें आप जो भी अभी इसे खाएंगे तो आपको ये बहुत ही टेस्ट देगा। ओके, जबरदस्त। सो अब ये डायरेक्टली आप इसमें जो है इसमें शामिल करें, स्पेगेटी अल बोलोनेज़े जो बेसिकली तौर पे घरों में आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे जो सा क्लासिकल स्टाइल है, जैसे स्पेगेटी बॉइल्ड हुई है, बॉइल्ड होने के बाद प्लेट में हमसे सर्व करेंगे और उसके ऊपर टॉप पे इसको डालेंगे। ओके, वेरी नाइस। तो ये नया जो है तरीका, मैं आपको प्लेटर दे देती हूँ। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर प्लेटर मौजूद है, और इसमें एक नए तरीके से, नॉर्मली ऐसा हुआ था लास्ट टाइम भी इन्होंने ये जो मिक्सचर बनाया था इसी में मिक्स कर दिया था स्पेगेटीज को, लेकिन आज जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीका जिसके ज़रिए आप इसे जो है, अच्छा ये अनीस, कुछ लोग जो हैं वो स्पेगेटीज को बॉयल करने के बाद इसको फ्राई भी कर लेते हैं, तो वो जो है उसकी कुछ बोल से बन बड़ी अच्छी, वो भी उसका भी डिफरेंट फ्लेवर है। आपने कभी इस तरह की कुछ पता नहीं, शायद हम लोकल इस तरह करते हैं इस बेचारी के साथ। ये फैंटेसी है इस, ये किचन जो एक आर्ट है, एक अकेडमी है, तो हर इंसान अपनी फैंटेसी और अपनी जो एक्सपीरियंस को अपने तरीके से पेश करना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो हमने बेसिकली तौर पे से हमने जो देखा है तो वो दूसरे स्टाइल। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ, वैसे कभी आप ट्राई करके देखिएगा कि आप फोक में इस तरह लेके ना इसे, और ये अच्छा, इसको पहले आपको स्टेन करना है, इसमें से पानी आपने निकाल लेना है, ऐसा ना हो कि पानी के साथ ही आप इसको ऑयल में डाल दें तो फिर उसके छींटे आने लग जाएंगे। ऐसे आप इसको थोड़े से अच्छे से यूं फोल्ड करके और फिर आप ये राउंड करके और आप इसको ऑयल में इस तरह रखते रहेंगे तो ये बहुत मज़े की चीज़ें बन जाएंगी। अभी आप इसको डायरेक्टली अच्छा इसमें इसमें डालेंगे, जी ऐसे ही डालेंगे इसके। ओके, ये देखिए इन्होंने बिल्कुल इसको बिल्कुल नहीं, इन्होंने तोड़ा था, ये साबुत ही थी सारी, वेरी नाइस। हम तोड़ेंगे नहीं, ये खाने का इसका जो फ्लेवर है वो असल इसी में। अच्छा, अगर आप ये तोड़ देंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो फिर मज़ा नहीं देगा। ओके, ज़बरदस्त, ये देखिए। और ये अब ये सिंगल सर्विंग है? नो,
ये सिंगल सर्विंग नहीं है, ये डबल सर्विंग है, लेकिन ये सिंगल के तौर पे। और प्लीज ये डबल सर्विंग ही होनी चाहिए। और ये इसे कहा कि 250 ग्राम जो है वो एक नॉर्मली 200 ग्राम के दरमियान एक बंदा खाना खा सकता है। अब इसके अंदर जैसे हम ये रेडी हो गया हमारा सॉस, फ्लेम को बंद कर देंगे और आप इसके ऊपर डालेंगे। जी, इसके ऊपर सॉस डालेंगे, बड़ी टेस्टी लगेगी। और इसके दौरान हम इसमें परमिजाना, जो मेरे पास तो फ्रेश ऑलरेडी जो मैंने बाहर से मंगाया हुआ था, उन्हें यूज करता हूँ। वैसे मार्केट में भी अवेलेबल होता है, परमिजान कहते हैं हमें पाकिस्तान में, हम लोग परमिजाना कहते हैं इसे। वैसे भी मार्केट्स में अगर आप कहते हैं कि हमें परमिजाना चाहिए, तो वो समझ जाते हैं कि ये इटालियन प्रोडक्ट मांग रहा है, तो आपको तीन चार किस्म की चीज़ दिखा, तो उसमें आप चॉइस कर लेंगे परमिजाना। जो ओरिजिनल होता है उसकी बैक साइड इस तरह से होती है, ठीक है, और ये बहुत स्टैंडर्ड और VIP फ्लेवर का होता है। ये है परमिजान चीज जो आपने इसमें यूज करनी है, दूसरी चीज कोई और यूज नहीं कर सकते। बेसिक ही तौर पे कंडीमेंट के लिए हम इसके ऊपर वही यूज करेंगे जो क्लासिकली इसकी जो रेसिपी है, तो वो आपको उसके अंदर फ्लेवर देगी और बहुत मजेदार लगेगी। जब तक आप इसको रियल और ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स अगर फॉलो करते हैं, तो वो उसका जो फ्लेवर है वो ऑटोमेटिकली तौर पे इसके ऊपर। अच्छा, लास्ट टाइम जो आप लाए थे आई थिंक पाउडर फॉर्म में। जी हाँ, वो पाउडर फॉर्म थे, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि परमिजान जो है वो बहुत किस्म की होती है। अब जैसे ये परमिजान है तो इसे हम ग्रेटर कर लेते हैं हैंड टू हैंड ऊपर फूड के ऊपर, तो इसलिए हमारे लिए आसान। अच्छा, ये भी चीज़ें एक बार की आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार ले लें। और अच्छा, आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, इसको कितने दिन तक आप कर सकते हैं, या आपको फ्रेश ही यूज़ करना होता है इसे? रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है तो आप इसे रेफ्रिजरेट कर लें, वो कोई इसमें कोई इशू नहीं है। nice. इसी तरीके से आप और ये देखें आप, वाओ, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बड़ी मज़े का है। और आज ही ट्राई कर लें आप लोग इसे ना। और कोई ख़ास ऐसा इंग्रेडिएंट भी नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो, वरना नॉर्मली होता है ये भी सॉस डालना है, ये वाला सॉस भी डलेगा। इसमें बहुत सिंपल जो है वो इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी और इसके साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्च, दो चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। और ये गार्निश के लिए ब्लैक ऑलिव्स है, मार्केट में सिर्फ खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए। वैसे भी और ब्लैक ऑलिव्स जो है स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, जो घरेलू खवातीन है कहती है कि हमारा स्टोमक भी अच्छा हो, स्किन भी अच्छी हो और ब्यूटी भी अच्छी हो, तो ये बहुत बड़ी गुड। थोड़े और ऑलिव्स डाल दें, ऑलिव्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं। यस, ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली इस्तेमाल ही नहीं करते। आई थिंक हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अरब कंट्रीज़ में आप देखें वो ऑलिव्स कितना इस्तेमाल करते हैं एज अ सैलड के तौर पर, उनके सैलड के साथ जो है वो ऑलिव्स रखा हुआ होता है। ये परमेसन डाला, वाओ, और ये आपका परमेसन रेडी है। ये देखिए आप, ज़बरदस्त, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, इनको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर आप इसे रखिए। ये आप देख सकते हैं फाइनल जो है इसकी शक्ल, आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो है ये स्पेगेटीज रेडी हो गई है। और बीफ में इसे बनाया गया, आप चाहें तो आप इसे फिश में या चिकन में, जो भी आपकी मर्जी का फ्लेवर है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी और आसान रेसिपी के है। घरेलू खवातीन और प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल्स और जिसे भी पसंद हो इटालियन फूड खाने का, तो वो बहुत आसानी के साथ इसे घर में पका सकते हैं। ओके, राइट। अच्छा, मैंने सुना था कि आज आप हमें कोई डो भी बताएंगे, तो ऐसा कुछ आज आप हमें बता रहे हैं कि उसको डो को सॉफ्ट रखने के लिए क्या उसमें इंग्रेडिएंट होने चाहिए, अगर आप उनका प्रोपोर्शन हमें बता सकें। जी हाँ, अगर इटालियन पिज्ज़ा डो जो आपने कहा था लास्ट टाइम पर, इसके लिए सबसे आसान तरीकेकार है, ये इम्पोर्टेंस होती है पिज्ज़ा डो के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। उसकी रियल रेसिपी को अगर आप फॉलो करते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स को आप सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता पास्ता। ठीक है, तो आप पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, आप जो पिज्ज़ा डो आप बनाएंगे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट, उनके क्या क्या प्रोपोर्शन होने चाहिए, ये आप लिख लें, क्योंकि इसमें चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो फिर आपका डो ख़राब हो जाता है। सो वो अनीस आपको बता रहे हैं, अनीस बताइए, मैं भी लिख लेती हूँ अपने। जी लिख लीजिए, 600 ग्राम फ्लोर फरीना, आटा जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसके लिए खास तौर पे आटा के लिए होता है कि जिस भी शॉप पर जाएं तो आप उसे क्या, हमें पिज्जे के लिए आटा चाहिए। अच्छा, क्या फर्क होता है पिज्जे का आटा और दूसरे आटा में? फाइन होता है वो, थोड़ा फाइन होता है और सॉफ्ट होता है वो। और बेसिकली तौर पे जो दूसरे मिक्स आटे मिलते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कल्चर पिज्जे का प्रमोट हो रहा है और अभी जैसे स्लोली स्लोली आ रहे हैं पिज्जा सीखने के लिए और इस तरीके से, क्योंकि बेसिकली तौर पिज्जे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे ग्रेड यूज़ किए जाते हैं। फरीना कहते हैं हम लोग, फरीना 0, फरीना ओ 00, इसके नाम से हम लोग जितना फाइन होता है जितना फाइन उसके मैदा, ये मैदे का जिक्र कर रहे हैं आप, ये फाइन आटा, ये फाइन आटा मैदा कह सकते हैं, लेकिन एक आता है इसके अंदर नॉर्मली आटा आता है, एक तो होता है प्रॉपरली फाइन आटा और एक होता है नॉर्मल आटा जिसके हम लोग यूज करते हैं अक्सर बेशतर, जैसे घरों में सफेद आटा और चक्की का आटा मिलाकर खाना बनाने के रोटी बनाई जाती है सॉफ्ट रखने के लिए और फ्लेवर, इसी तरह का एक आता है इसके अंदर
पिज्जे का आटा आता है okay. वो एक स्पेशल किस्म का आटा होता है, अगर मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल है आप ले सकते हैं उसे। 600 ग्राम आप इसमें आटा लेंगे, ठीक है। इसमें 7 ग्राम जो है इसमें हम ईस्ट लेंगे, ईस्ट यानी के खमीर जो दाने वाला होता है वो लेने हैं इसके अंदर आपने, ठीक है। और 8 ml पानी का, 8 से 9 ml के दरमियान पानी हो, और उस पानी के अंदर आप 7 ग्राम खमीर को मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर मिला लेंगे। ओके, मतलब आपने कहा आधा किलो हमें आटा लेना है तकरीबन, और आप खमीर कितना बता रहे हैं आधा किलो आटे में? 7 ग्राम। 7 ग्राम कितना हो गया, पिंच के बराबर या इससे ज्यादा? नहीं, पिंच नहीं, छोटा टीस्पून बन जाता है। छोटा टीस्पून बन जाता है ओके। और वो उसको आपको गर्म पानी में मिक्स? नहीं, ठंडा नॉर्मल पानी, ना गर्म पानी हो ना ज्यादा ठंडा हो, टेम्परेचर इसका जो मीडियम होना चाहिए। तो उसमें आपने पानी में मिक्स कर लेना है, क्योंकि खमीर जब आप डायरेक्ट डालेंगे उसके अंदर तो वो मिक्स होने में बहुत टाइम लेगा। right. तो पानी में मिला लेंगे तो वो जल्दी से मिक्स हो जाएगा। okay. और मिक्स करने के बाद आप उसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो उसके साथ वो उसकी जो फ्लेवर, उसकी गजायत जो है वो उसको वो मजीद मजेदार और सॉफ्ट जो आप कह रही थी वो जो फूलने का अमल होता है वो ईस्ट के जरिए होता है। अब इसमें आप नमक डाल लेंगे तकरीबन बेसिकली तौर पे जब 600 ग्राम के नमक 10 से 15 ग्राम नमक यूज़ करते हैं, लेकिन बास लोग जो है नमक कम खाते हैं, बास ज़्यादा खाते हैं, तो उस मुताबिक आप घरेलू खबतें के लिए ये कि हस्ब जायका right. अपने टेस्ट के मुताबिक आप उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। ओके okay. और उसके बाद फिर आपने जी नॉर्मल आटा गूंथे? नॉर्मल आटा नहीं गूंथे, इसका आटा गूंढने का तरीकेकार okay, है। आपने एक पैन लिया या कोई भी बॉल लिया, उसमें आपने आटा डाला, उसमें छोटा सा एक आपने खड्डा कर लिया, क्या कहते हैं अपना करने के बाद आप इसमें डायरेक्ट अपना वो पानी और ईस्ट डालेंगे इसके अंदर और हल्के हाथ से मिलाएंगे उसे आप okay, यानी कि इनकमिंग टाइम से हम आपको दिखाएंगे भी किस तरह से बनेगा। तो उसका आप मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर आप इसको सॉफ्ट करने के बाद अच्छी तरीके से, फिर इसका एक प्रॉपरली प्रोसेस है जो इनकमिंग टाइम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको गूंदा जाता है। ओके, तो ये मेन खास इन्ग्रीडियंट है, लेकिन जो असल तरीका है ना वो इसका प्रोसीजर है और इसका प्रोपोर्शन है कि आपने किस चीज़ को कितना इस्तेमाल करना है। कोई चीज़ ज़्यादा हो गई उससे भी आपकी डो ख़राब हो सकती है, कोई चीज़ कम हो गई उससे भी ख़राब होती है। फिर यहाँ पर आपका ओवन का टेम्परेचर जो है वो बड़ा काउंट करता है, बट आपने डो को कैसे बनाना है ये इंशाल्लाह ज़रूर हम अपने प्रोग्राम में जो है वो आपको ज़रूर बताएंगे। ये बताइए अनीस कि जब हम पाकिस्तानी कुजीन की बात करते हैं, हम बड़े मसालेदार और नॉर्मली गोश्त खोर लोग हैं, हम गोश्त बहुत पसंद करते हैं, तो पाकिस्तानी डिश में आप कौन सी बेस्ट डिशेज हैं जो आप कहते हैं कि मेरे पास उसकी बड़ी डिफरेंट चीज़ें जो है, मैंने कहते हैं ना हम एक नॉर्मल कोरमा है या बिरयानी है बट मैं उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकता हूँ, तो कौन सी ऐसी डिशेज हैं? इसमें हमारे पास, मेरे पास जो मेरी फैंटेसी में जो पाकिस्तानी खाने हैं इनके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग हरा मसाला ओके, हरा मसाले से हम फिश बनाते हैं, बेक फिश भी है इसमें और सालन की फिश भी है उसके अंदर, और नॉर्मली तौर पे इसके अंदर एक और फैंटेसी है जो हम बारबेक्यू हरा मसाला के साथ बनाते हैं, बारबेक्यू विद ग्रीन मसाला, विद हरा मसाला या ग्रीन मसाला। इसके अंदर अगर टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जो आप धनिया पुदीना हरी मिर्च जो नॉर्मल सी चीजें जो आम मार्केट में अवेलेबल होती है इसके अंदर। और इसके बाद फिर एक और मेरी जो फेवरेट फैंटेसी है वो है बोरी चिकन जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्लासिक नहीं है, उसमें मेरी अपनी काफ़ी हद तक क्रिएशंस हैं। वो अच्छा, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है वैसे बोरी चिकन की? ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया बोरी चिकन? ये बोरी चिकन का जो कॉन्सेप्ट है एक मेरे बलोच शेफ है, जब मैं पीसी में काम करता था तो उन्होंने मुझे इसकी रेसिपी दी थी और उन्हें कहा था कि यार ये रेसिपी जो है किसी के पास नहीं, और वन एंड ओनली थे वो शेफ, बलोच शेफ थे जो हमारे पीसी में, और वो ही उसके एक्सपर्ट थे। ओके अच्छा, मैंने लास्ट टाइम लाहौर में खाया था वो जो बाल्टी गोश्त होता है ना वो मटन में बना हुआ था और वो इतना डिलीशियस था। और लाहौर के खाने बड़े मशहूर हैं और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो आप खाते हैं तो उनका जायका जो है वो आपके पास रह जाता है फिर वहाँ पर, क्योंकि गंदम का भी बड़ा फ़र्क है, तो वहाँ पर जो रोगनी नान मिलते हैं वो बड़े डिफरेंट फ्लेवर के हैं। तो ये तमाम पाकिस्तानी डिशेस जो है वो भी बेस्ट एंड बेस्ट आप उसमें एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जैसे रोगनी नान है, इनकमिंग टाइम्स में हम आपको पतीर की रोटी बनाने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है अच्छा, मैं चाहूँगी एक बार फिर से हम रेसिपी कार्ड लगा देते हैं, आप इन्ग्रीडियंट्स भी एक बार फिर से नोट कर ले और इंशाल्लाह जो प्रोसीजर किया गया है वो भी आपके सामने बता देंगे। स्पेगेटीज़ है 1 पैकेट, कीमा 250 ग्राम लिया गया है, गाजर 1 अदद, धनिया हसब ज़रूरत है आधी गड्डी आप ले सकते हैं, तेज़पात 1 पत्ता है, टोमेटो सॉस 1 कप इस्तेमाल किया गया है और कुछ और भी चीज़ें इसमें, प्याज लिया है 1 अदद जिसे चॉप कर लिया था, हरी प्याज 2 अदद, लहसुन के 5 जवें हैं,
लाल मिर्च आप अपने हस्बे जायका ले सकते हैं, डेढ़ चम्मच हमने इसमें ऐड की थी। नमक भी हस्बे जायका, आयोडीन सॉल्ट इस्तेमाल करें, और जैतून का तेल जो है वो इसमें हमने तकरीबन आधा कप जो है वो अनीस ने यूज़ किया था। अनीस एक बार रेसिपी रिपीट कर दें, ये जो आपने ये जो बनाया था इसके लिए बैटर बनाया था। पहले हम लेंगे ऑलिव ऑयल, अपने पैन में डाला ऑलिव ऑयल, जब अच्छे तरीके से ऑलिव ऑयल गर्म हुआ, दो अदद चॉप किए हुए ऑनियन जो थी हमारे ऑनियन चॉप किए हुए वो हमने ऑयल में डाले, उसको हल्का सा गोल्डन किया। इस दौरान आपने लहसुन इसमें ऐड किया, लहसुन ऐड करने के बाद थोड़ा सा और मिक्स किया, फिर आपने इसमें चिली डाली जो क्रश चिली जो हम मार्केट में अवेलेबल थी जो हमने खुद फ्रेश ली, लेने के बाद इसमें आपने चिली ऐड की, इसके साथ ही आपने कीमा ऐड करने के बाद उसे फ्राई किया अच्छे तरीके से ताकि वो एक जान और एक फ्लेवर के साथ तैयार हो जाए। फिर इसमें आपने ऐड किया हल्की सी कसूरी मेथी, तेज़ पत्ता, इसके बाद फिर आपने इसमें ऐड कर लिया नमक, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने इसको इसमें भी बाद में टोमेटो की प्यूरी डाली, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जो अच्छे है तरीके से बन जाए। उसमें हम पानी का ऐड इसलिए नहीं करेंगे कि ऑलरेडी टमाटर के अंदर पानी था, तो उस टमाटर के पानी के साथ ही वो कीमे की सॉस जो है वो तैयार। अच्छा, नॉर्मली जब हम घर में खाना बनाते हैं तो एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपने जिस तरह अनीस ने किया था कि आपने प्याज फ्राई किया, उसमें लहसुन डाला, मसाले डाले, और उसके बाद क्या करते हैं हम पहले टमाटर डाल देते हैं, या हमें दही डालना होता है पहले हम वो डाल के मसाला भून जाता है, उसके बाद फिर हमने उसमें गोश्त डालना है या कीमा डालना है, हम बाद में शामिल करते हैं। लेकिन आपने प्याज और लहसुन के बाद ही कीमा डाल दिया और आपने टमाटर बाद में डाले, ये क्यों आपने किया? वजह ये कि अक्सर हमारी घरेलू खवातीन और तकरीबन बचपन से हम सब देखते हुए आ रहे हैं किचन से लाइन के अंदर कि पानी का अक्सर ऐड करते हैं। पानी का ऐड करने का मतलब ये होता है कि या तो फिर खाना जो है आप पका नहीं सकते और या फिर आप पकाना चाहते हैं तो फिर सही से पका नहीं पा रहे। अब टोमेटो वेजिटेबल्स के अंदर ऑलरेडी कुदरती तौर पे इस पर पानी की गजाइत होती है, इसमें ऑलरेडी पानी है, अगर आप टोमेटो को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी पानी जो उसका रस्ता है, ऑनियन का पानी होता है इसके अंदर और टोमेटो का पानी होता है, तो उसी के अंदर ही पकता है, तो उसका जो फ्लेवर है वो मजीद बढ़ता और खिल जाता है। ओके राइट, तो मतलब इन्होंने इसलिए कहा कि जो टोमेटो प्यूरी है ये आपने बाद में डालनी है, पहले आप अगर जो भी आप मिंस ले रहे हैं आप उसको अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद आप टमाटर डालेंगे, पानी आपको ऐड नहीं करना ताकि अपने पानी में जो है वो अच्छे से ये गल जाए। आपका फेवरेट फूड कौन सा? पाकिस्तानी या इटालियन में? इटालियन में मैंने कहा कि मेरा फेवरेट जो है वो लसानिया है। हाँ, वो आपने अभी बताया और था। पंजरोती जो मेरा फेवरेट इटालियन फूड है, और इसके अलावा एक और बहुत मजेदार इटालियन फूड है वो स्पेगेटी अवोंगोले। स्पेगेटी को हम लोग यूज करते हैं सी फूड के तौर पे, सी फूड मसल्स जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, आप लोग यहाँ वोंगोले से यूज किए जाते हैं, तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छा, ये जो हम इटालियन क्लासेस आज ले रहे हैं तो ये तो हम नॉर्मली जो उनके मेन ये इनका मेन कोर्स है ना जिसमें ये लोग पिज्जा बहुत शौक से खाते हैं, स्पेगेटीज है, मैक्रोनीज है, मीठे के भी जरूर शौकीन होते होंगे, मीठा क्या वहाँ पर बनाया? इटालियन जो बहुत शौक से मीठा खाते हैं ज्यादातर उनकी पेस्ट्री की लाइन जो है वो काफी बहुत बेकरी के आइटम है, उसमें सबसे ज्यादा तिरामिसू जो बहुत टेस्टी होता है और मेरा भी फ्लेवर है। और तिरामिसू क्या है? ये भी पेस्ट्री है? नहीं, ये तिरामिसू जो है ये एक इनका डेजर्ट है। okay. वो तैयार होता है बकायदा कॉफी के साथ। okay. उसमें कॉफी होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, इसमें हम ऐड करते हैं टोमेटो और एग की योग यूज करते हैं इसके अंदर। right. तो बहुत ही इंग्रेडिएंट्स हैं, बड़े प्यारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत टेस्टी इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़े मजेदार। ओके, मतलब फाइनल डिश जो है वो बड़ी डिफरेंट और डिफरेंट टेस्ट है। मीठे में भी थोड़ा सा हमें डिफरेंट होना चाहिए। नॉर्मली घरों में क्या बनता है? खीर बन गई, जर्दा बन गया, या वो जो है शाही टुकड़े बनाए जाते हैं, रस मलाई, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमारे ये रिवायत हैं, हमारे जायके हैं, बट कुछ मुख्तलिफ भी होना चाहिए जो आप ट्राई करें। तो इंशाल्लाह डिजर्ट्स जो हैं वो भी हम ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ पर आपके लिए बनाएंगे। अनीस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं और हमें इटालियन फूड की क्लास जो है वो आपको दे रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी एक नई डिश के साथ जो है वो हम अनीस को इन्वाइट करेंगे और ज़रूर इसे ट्राई करें। ट्राई करने के बाद इसकी पिक्चर लीजिएगा, मुझे मेरे सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर ज़रूर भेजिएगा। अपना ख्याल रखें, कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।